हुड्डा साहब आज पंचकुला में पहुंचे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन था, बहुत जोश देखने को मिला कार्यकर्ताओं के बीच, क्या कहना चाहेंगे? ये संकेत है जो लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया है, ये साफ संकेत है हरियाणा के लोगों की तरफ। छत्तीस बरादरी मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की बनाएंगे। तो किस प्रकार से अभी बयान दे रहे हैं कि भाजपा के एजेंट हैं, कई तरह के बयानबाजी विधानसभा को लेके भाजपा और इनेलो करते नजर आ रहे हैं। राज्यसभा में किसने वोट दी थी भाई उनको जी? अभय चौटाला जी, अच्छा होगा अभय चौटाला जी अपना जो उनकी पार्टी है उसको संभाल लें, कहाँ से कहाँ हुए, कहाँ धरातल में पहुँचे हुए हैं। जयप्रकाश जी ने एक बयान दिया था महिला, आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया उसको लेके कि आप अपना बयान वापस लें, वो कल अपनी स्पष्टीकरण दे चुके, वो दे देंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल है विरासत का, चौधरी बंसीलाल हैं या और कोई बड़े नेता, आज महात्मा गांधी की मैं कौन विरासत है, पूरा देश विरासत है, पूरा हरियाणा उनकी विरासत है भाई, उन्होंने देश पूरे हरियाणा में सेवा करी है। मेरे क्या पता, तुम पूछ रहे हो उनसे? आपका आरोप है कि सरकार कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस मजबूत है, सरकार का आपका कहना है कि सरकार अल्पमत में है, पर सरकार कह रही है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कैसे अल्पमत है? अल्पमत में है, नंबर बताते हैं तो मैम, तो यही कह रहे हैं ना, अल्पमत में सरकार है, इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिक अधिकार कोई नहीं सरकार का, और नहीं देते तो गवर्नर साहब को आग्रह किया हमने, डिसॉल्व कर दें, फ्रेश इलेक्शन करा लें, जो लोग बनाएंगे चाहे आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? विधानसभा में जैसे हुआ ना, लोकसभा में 10 सीट है हमारी, तो 10 में 5 हो गई, बीजेपी हाफ हो गई ना, विधानसभा में साफ हो जाएगी। ठीक, थैंक यू।